एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल वाले उसे एक गांव में बिना कपड़ों के घुमा रहे थे, उसे जूतों की माला पहना रहे थे और लोग जो वहां पर थे सभी जूते चप्पलों से उसे फेंक फेंक कर मारते हुए जा रहे थे। जब लोगों से वहां से पूछा जाता है कि आखिर उस विधवा महिला की गलती क्या है, तो लोग बताते हैं कि वह अपने देवर के बेरहमी तरीके से जो हत्या कर दी है और उसे 2 दिनों तक कहीं फेंक दिया था। पुलिस आती है और उस विधवा महिला से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुमने अपने देवर के इतना बेरहमी तरीके से हत्या क्यों की। तब वह विधवा महिला जो बताना शुरू करती है तो पुलिस वालों की भी पैर तले जमीन खिसक जाती है और गांव वाले कहते हैं कि उसने सही किया जो अपने देवर को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना तेलंगाना के एक गाँव की है। वहीं का रहने वाला राजू जो कि अपने घर से करीब 2-3 दिनों से गायब था, उसके माता पिता हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा होता है। राजू जो एक भट्टे पर काम किया करता था, उसके माता पिता वहां भी जाते हैं और वहां पे कई लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनका बेटा राजू आखिर गया कहाँ। 1-2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन नहीं मिलने पर वह पुलिस का सहारा लेते हैं कि उनका बेटा जो कि राजू है वह घर से 2-3 दिनों पहले से गायब है, जो उसे खोजने की कृपा करें। पुलिस जो होती है वहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू करती है लेकिन पुलिस को भी ऐसी चीजें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि राजू आखिर गया तो गया कहाँ। पुलिस जांच करती हुई रहती है लेकिन उसे कुछ भी ऐसा सुराग पता नहीं चल रहा था कि राजू को पता लगा ऐसा जा सके कि वह कहाँ है अभी। वैसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिनों बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की लाश जो कि खेतों में पड़ी हुई है, वो पुलिस तुरंत अपने जीप में बैठती है और वहाँ पर जाती है और देखती है कि आखिर लाश किसकी है। तो देखती है कि राजू का जो उसके माता पिता फोटो दिए थे वह फोटो में दिख रहा व्यक्ति भी वही है। राजू के माता पिता को बुलाया जाता है और राजू की बॉडी को उसके माता पिता को सौंप दी जाती है। उसके माता पिता जो होते हैं उसे अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं और अंतिम संस्कार हो जाने के बाद पुलिस जो होती है उसके राजू के माता पिता को थाने बुलाती है और थाने में बैठा कर पूछताछ करना शुरू करती है। कहती है अगर आपको किसी पर शक हो तो आप बताओ, मैं वहां से जांच करना शुरू करूंगा कि आखिर की राजू की हत्या किसने की। उसके माता पिता जो थे वह कहते हैं कि मेरे घर में जो कि मेरे बेटे की बड़ी भाभी है वह अक्सर मेरे बेटे के ऊपर ब्लेम करती है कि उसका बेटा जो कि उसे तंग करता है, उसे छेड़खानियाँ करता है। कई बार वह थाने जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई है, जो उसे उठाकर आप पूछताछ कीजिए, जरूर उसी ने कुछ की है। राजू के माता पिता के बयान के अनुसार राजू की भाभी को उठाकर थाने लाया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। राजू की भाभी थी जो वह इनकार करती है कि वह इस हत्या के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, वह नहीं जानती कि उसका देवर कब कहाँ जाता था, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो उसके साथ कई बार वह छेड़खानियाँ करता था लेकिन ऐसा कभी भी वह सपने भी नहीं छू सकती कि अपने देवर को इस दुनिया से अलविदा कर दे। पूरी ज्योति है राजू की भाभी को छोड़ देती है, वह अपने घर जाती है और पैर हाथ धोकर वह अपने रूम में पहुँचती ही है कि जो राजू के माता पिता होते हैं वह वहाँ पर पहुँच कर उससे झगड़ा करने लगते हैं और सभी मिलकर जो कि राजू की भाभी के सारे कपड़े को उतार देते हैं। उतार लेने के बाद सभी लोग जो थे चप्पल की माला बनाते हैं और उसके गले में डाल दिया जाता है और उसे रोड पर घसीटता हुआ लाया जाता है। सभी लोग जो थे वहां पर देख रहे होते, सभी पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह सभी बताते हैं कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे जो कि इसी का हाथ है, इसी ने जो कि मेरे बेटे की हत्या की है। वहां पर जितने भी लोग थे सभी उस महिला के ऊपर जूते चप्पलों से बारिश करना शुरू कर देते हैं। वह महिला चिल्लाती हुई रहती है, रोती हुई रहती है और सभी लोग जो थे उस महिला को पूरा गाँव जो कि बिना कपड़ों के घुमाते हुए जा रहे थे। पुलिस को इन्फॉर्म होती है, पुलिस तुरंत आती है, उस महिला को छुड़ाती है वहां से और पुलिस थाने ले जाकर फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। वह महिला उस वक्त तो कुछ भी नहीं बताई थी लेकिन अब बताना शुरू करती है कि हाँ, जो कि मैंने ही अपने देवर की हत्या करवाई है, जो कि मैंने अपने हाथों से नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से उसकी हत्या करवाई थी। जो मेरा देवर था वह अक्सर मेरे साथ छेड़खानियाँ करता, मेरे साथ बदसलूकी करता। जब मेरा पति जब से मर चुका था, जब से मेरे पीछे बार बार हुआ पागल था, हुआ हर वक्त जब भी मैं सोई हुई रहती मेरे बगल में आकर सो जाया करता था और मेरे साथ गलत चीजें करा करता था। जो कि एक दिन घर में कोई नहीं था, मेरा देवर जो कि काम पे से आता है, मैं अपने रूम में सोई हुई रहती हूँ, वह सीधे मेरे रूम में जाता है और मेरे साथ जो कि जबरदस्ती कर मेरे साथ रेप कर देता है। मैं कुछ भी वहाँ पर नहीं कर पाती हूँ, मैं मदद की गुहार लगाती हूँ, कई लोगों को बताती हूँ लेकिन कोई भी जो कि मेरे देवर को खिलाफ नहीं हो पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब जो कि मैंने 2 लोगों से दोस्ती की, उससे मदद मांगी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी जो कि मेरा देवर को इस दुनिया से अलविदा कर दो, जो कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी करता है। जो कि एक शाम को मेरा देवर जो था वह अपने खेतों को पटाने गया हुआ था। मैं जान रही थी कि मेरा देवर
खेत को पटाने जाएगा। मैं उसे उन्हें जो कि कॉल कर पहले ही बता चुके थे, जो कि वहाँ पर एक खेत है उसी खेत में हुआ है जो कि पानी देने जा रहा है, तुम लोग जाओ और उसे इस दुनिया से अलविदा कर दो। वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उसे जो कि बेरहमी तरीके से हत्या कर देते हैं और उसके चाकू से पूरा शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं। कर देने के बाद 2 दिनों तक वह वहीं पर, जो कि गेहूं का खेत था इसलिए गेहूं में छिपा दिया जाता है, और बहुत 2 दिनों बीत जाने के बाद आप लोग वहां पर पहुंचते हो और सारा मामला खुल जाता है। ये बातें जब वहां के सभी लोग जाते हैं, उसके घर वाले जानते हैं, तो सभी शर्म के मारे जो कि सर झुका लेते हैं। जो लोग चप्पल मारा कर रहे थे उस महिला को, वह सब कह रहे थे कि जो वह महिला की है वह सही की, जो अपने देवर को इस दुनिया से अलविदा कर दी। तो दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या उस महिला की गलती थी जो कि अपने देवर को इस दुनिया से अलविदा कर दी, या फिर उस देवर की गलती थी जो कि अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर रखा करता था? किसकी गलती लगती है, आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।